आईपीएल के 16वें सीजन में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस अब काफी ज्यादा ही दिलचस्प देखने को मिल रही है। इस समय ऑरेंज कैप की लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल ने फॉग डू प्लेसी को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया। वहीं पर्पल कैप की लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के तुषार पांडे ने अर्शदीप सिंह को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। यशस्वी जायसवाल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ 62 गेंदों में 124 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के साथ ऑरेंज कैप को अपने नाम किया। अब यशस्वी के नाम 9 पारियों में 428 रन दर्ज हैं, जबकि फॉफ 422 रन के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में डिवोन कानवे 414 रनों के साथ अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑरेंज कैप की लिस्ट में चौथे नंबर पर सीएसके के ही ऋतुराज गायकवाड़ 354 रनों के साथ इस समय उपस्थित हैं। इसके अलावा पांचवे नंबर पर सुमन गिल 333 रनों के साथ हैं। वहीं पंजाब किंग्स के खिलाफ तुषार पांडे से गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन भले ही देखने को ना मिला हो, लेकिन वह इस मैच में 3 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। इसी के साथ अब तुषार के नाम 9 मैचों में 21 की औसत से 17 विकेट हासिल करने के साथ पर्पल कैप की लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर अब 9 मैचों में 15 विकेट के साथ अर्शदीप सिंह हैं। वहीं तीसरे और चौथे नंबर पर मोहम्मद सिराज और राशिद खान हैं, जिसमें दोनों अब तक 14-14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। वहीं पांचवे नंबर पर मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे लेग स्पिनर पीयूष चावला का नाम है, जिन्होंने 13 विकेट हासिल किया है।